सीक्रेट ट्रिक से आपकी करेले की सब्जी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी, इतनी टेस्टी बनेगी कि बड़े तो बड़े बच्चे भी शौक से मांग मांग कर खाएंगे। सब्जी की सबसे खास बात, 100% कभी कड़वी नहीं बनेगी, तेल भी बहुत कम लगेगा, साथ के साथ मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं, और ऐसी मल्टीपर्पज बनेगी कि फिर आप इसे दाल चावल, पूरी, पराठा, रोटी, किसी चीज के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक बार आप इस ट्रिक से ट्राई करके देखिएगा, आप करेले की सब्जी बार बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद परन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सुपर डिलीशियस और टेस्टी करेले की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1/2 किलो फ्रेश करेले। तो यहाँ पर करेले को नमक के पानी से 2 से 3 बार बढ़िया से धो लेंगे। ऐसा करने से जो भी इसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है और जो भी ऊपरी गंदगी होती है सारी निकल जाती है, जिससे हमें इसका ऊपर का छिलका छीलने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है इस सब्जी को बनाने के लिए। अच्छे से पोंछने के बाद अब यहाँ पर करेले का ऊपर का और ये नीचे का सिरा हम इस तरह से कट कर देंगे, और कट करके इसको देखिए इस तरह से हमें कट करना है। ज्यादा पतला नहीं काटेंगे, ज्यादा मोटा नहीं, इस तरह का मीडियम, कि जब सब्जी बना के तैयार हो तो एकदम बढ़िया लगे और जल्दी से हमारे करेले पक भी जाए। मैं इसको देखिए हल्का सा तिरछा लेके काट रही हूँ, जैसे थोड़े लंबे लंबे करेले कटेंगे ना तो सब्जी की लुकिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। आप चाहें तो गोल भी कट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए बीज जो भी मोटे मोटे हो सकते तो उन्हें हम हटा देंगे, छोटे बीज हमें हटाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जब आप कटिंग करेंगे ना तो बीज अपने आप ही बड़े बड़े वाले सब निकल जाएंगे। तो लीजिए, सारे ही करेले मैंने इस तरह से काट कर कट कर लिए हैं एक बड़ी परात में। अब सबसे पहले करेले को देंगे एक छोटा सा ट्रीटमेंट, जिससे जो करेले की सब्जी है वो गारंटीड कभी कड़वी नहीं बनेगी और स्वाद भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के नमक। अच्छे से नमक को डाल देंगे और दूसरी चीज हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। अब जो सीक्रेट चीज मैं इसमें डालने वाली हूँ, जिसकी वजह से करेले का स्वाद भी बढ़ेगा, साथ के साथ कड़वाहट तो बिल्कुल चली जाएगी, वो है नींबू का रस। थोड़ा सा नींबू का रस इस तरह से जरूर डालें और बढ़िया से करेले में मिक्स कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी कड़वाहट करेले में होती है सारा पानी निकल जाएगा कड़वा, और आप जब सब्जी बनाएंगे तो उसमें टेस्ट आपको ज्यादा आएगा। सारे करेले पर इस तरह हाथ से मिक्स कर देंगे कि बढ़िया से करेले पर हल्दी और नमक लग जाए। बस यहाँ पर हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। जो भी करेले में कड़वा पानी होगा सारा निकल जाएगा, साथ के साथ करेले सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और ये देखिए 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि करेले ने काफी सारा पानी छोड़ दिया है, ये सारा कड़वा जो टेस्ट होता है करेले में सारा पानी के जरिए निकल गया। इस पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसे हटा देंगे और करेले को इस तरह से मुट्ठी बंद करके कस के निचोड़ देंगे, जो भी इसमें कड़वा पानी होगा इस तरह से सारा निकल जाएगा। तो बस इस तरह से करेले को हाथ में लीजिए और दबा करके सारा जितना पानी आप निकाल सकते हो निकाल दीजिए। ये देखिए सारे करेले मेरे तैयार हैं, और जो हमारा अभी पानी निकला ना करेले का, उसको फेंकिए मत, वो एज अ जूस आप दे सकते हैं, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी ऐड कीजिए, काला नमक, हींग जीरा पाउडर डाल करके उसे एज अ जूस भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें करेले को बिल्कुल धोने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गैस पर हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। करेले की सब्जी सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया बनती है, आप चाहें तो दूसरे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सरसों के तेल को पहले धुएंदार गर्म करना होगा, जिससे कि जो उसमें तीखेपन की स्मेल होती है ना वो सारी निकल जाएगी। और लीजिए तेल बिल्कुल बढ़िया गर्म हो गया है, तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा तेल का टेम्परेचर डाउन होने देंगे, क्योंकि अभी इसमें कोई चीज डालेंगे तो चीजें जल जाएंगी। अब वापस से गैस को ऑन करेंगे और यहाँ पर जो हमने अभी करेले निचोड़ करके तैयार किए थे ना सारे इसमें डाल देंगे, और बढ़िया से लगातार चलाते हुए करेले को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मैं बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, डीप फ्राइंग में क्या होता है, एक तो मेहनत ज्यादा हो जाती है, तेल ज्यादा पी लेते हैं करेले, लेकिन इस तरह से आप करेंगे टेस्ट भी बढ़िया आएगा, क्रिस्प भी रहेगा और आपका काम कम तेल में हो जाएगा। हल्का सा इस तरह फ्राई कर लेते हैं ना तो करेले की जो कड़वाहट है वो बहुत ही कम हो जाती है, पता ही नहीं चलता, टेस्ट भी सब्जी में ज्यादा आता है। तो लगभग 4-5 मिनट बढ़िया से इसको लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए करेले मैंने सिर्फ 5 मिनट फ्राई किए हैं, और आप देख सकते हैं बढ़िया से सॉफ्ट भी दिख रहे हैं, क्रिस्प भी दिख रहे हैं, हल्के से करेले पक भी गए हैं। तो बस इस स्टेज पर सारे करेले हम निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ कलौंजी, और यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर करेले की सब्जी में बहुत ही बढ़िया आता है, आप जरूर डालिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है,
साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 पिंच हींग। सौंफ है, हींग है, ये सब चीज हल्की मिठास भरी होती है, तो ये सब चीजें करेले की कड़वाहट को कम करके उसमें बढ़िया टेस्ट लाती है। अच्छे से सभी चीजों को तड़का लेंगे। अब इसमें जाएगी प्याज। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 प्याज ली है मीडियम साइज की और उन्हें लंबाई में कट किया है। तो बस इसी तरह प्याज को डाल देंगे और प्याज को इस तरह से बढ़िया से पका लेंगे। यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर सभी चीजों को बढ़िया से पका लेंगे। यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट, प्याज को बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बस इतना भर कि प्याज का जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए, साथ के साथ प्याज में हल्का ट्रांसलूसेंट सी हो जाए। करेले में प्याज थोड़ा ज्यादा डालना जरूरी होता है, इससे क्या होता है कि प्याज में जो मिठास होती है वो करेले की कड़वाहट को बिल्कुल दूर कर देती है। सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से देखिए भुन गई हैं, प्याज भी एकदम गुलाबी दिख रही है। तो बस इस स्टेज पर जो हमने अभी तैयार किए थे ना अपने करेले, सारे यहाँ पर डाल देंगे। अच्छा, करेले हमने पहले ही थोड़े भून लिए हैं तो वो सॉफ्ट भी हो गए और क्रिस्पी भी हैं, तो अब सब्जी को बनाने में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अच्छे से करेंगे मिक्स और यहीं पर डालेंगे अब बढ़िया से मसाले। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर अच्छा आ जाएगा, माइल्ड होती है, ज्यादा मिर्च नहीं होती कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर में। अगर रेगुलर वाली डाल रहे हो तो 1/2 छोटी चम्मच डालिएगा। 2 छोटे चम्मच में डाल रही हूँ धनिया पाउडर, धनिया का पाउडर इन सब्जियों में थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगता है इसलिए थोड़ा ज्यादा डालें। 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला। फिर डालेंगे 1 छोटी चम्मच भुनी सौंफ का पाउडर जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है करेले में, जरूर डालिएगा। साथ ही जाएगा थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है तो उसी हिसाब से। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करेंगे, मसाले को भी भून लेंगे। इस तरह से बनी हुई करेले की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथ के साथ आप हमेशा इसी तरह से करेले की सब्जी बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि तेल भी कम लगता है इसमें, मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी बनेगी, बढ़िया बनेगी। और ये देखिए करेले का भी कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और सब्जी को ऊपर ढक्कन से ढक देंगे, बीच बीच में चलाएंगे जरूर, और सिर्फ 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी शानदार करेले की सब्जी बनकर के तैयार है। करेले भी सॉफ्ट दिख रहे हैं, साथ के साथ हल्के क्रिस्प भी है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको पानी नहीं डालना है, ये सब्जी बिल्कुल इसी तरह बढ़िया बनती है। और क्योंकि करेले हमने पहले भून लिए थे तो क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो बस लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आप खटास ज्यादा पसंद करते हो तो यहाँ पर थोड़ा और डाल सकते हैं, क्योंकि हमने नींबू का रस पहले डाला था ना, इसलिए यहाँ मैं आमचूर पाउडर बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। चुटकी भर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करेले की सब्जी में। साथ में जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से ये सब्जी, बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। ये देखिए क्या मस्त टेक्सचर दिख रहा है करेले की सब्जी का, आप देख के ही समझ सकते हैं। प्याज भी बिल्कुल परफेक्ट पकी हुई है, करेले एकदम बढ़िया सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो बस गैस को बंद कर देंगे और फटाफट से करेंगे सर्व। बिना कड़वाहट वाली बहुत बहुत ही ज्यादा लाजवाब और शानदार करेले की सब्जी है बिल्कुल तैयार, जिसका एक बाइट खाने के बाद सब उंगलियां चाटे। और मेरा पर्सनल फेवरेट है इस तरह से बनी करेले की सब्जी और पराठे, मतलब मजा आ जाता है, आप रुक नहीं पाएंगे, बस खाते ही जाएंगे। वैसे इस सब्जी को आप दाल चावल के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी चीज के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं, ये सबके साथ घुल मिल जाती है और बहुत बढ़िया लगती है। और मेरी गारंटी है ये करेले की सब्जी आपको 1% भी कड़वी नहीं लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।